सर मैं क्या बताऊँ, जब से वो वीडियो वायरल हुआ ना, मेरी तो इज्जत यानी रिस्पेक्ट ही ख़त्म हो गया। यानी कि आपको मैं बुलाऊँ और सबके सामने अपनी आपकी बेइज्जती हो जाए कैसा लगेगा। देखो मैं शिल्पा जी के घर पे गया, उस दिन गणेश विसर्जन था डेढ़ दिन का, तो मैं भी अपने घर में 5 दिन का बताता हूँ। मेरा नाम संजय वर्मा है, संजय वर्मा एक्टर, मैं टीवी शो भी करता हूँ, टीवी सीरियल भी करता हूँ 18-20 साल से, और संजय वर्मा कॉमेडियन इंस्टाग्राम पे। मेरा मतलब ये है कि मैं घर पे गया तो अच्छा लगा, बहुत अच्छी उनके सबके परिवार में वो भाव है गणपति बप्पा के प्रति, तो सब डांस कर रहे थे। और एक लड़के को उन्होंने बड़े रिस्पेक्ट से ऑर्डिनरी परिवार का था, उसको बुलाया, नचाया और उसको भेज दिया। तो मेरा भी हौसला बढ़ा, मैंने कहा चलो मैं भी नाच लेता हूँ। तो मैंने उनके साथ 2 स्टेप इशारा करके डांस किया, तो जैसे डांस कर रहा था उनके सिक्योरिटी बटन, ए क्या है, मैंने अरे मैम के साथ डांस कर रहा हूँ, इसमें क्या पता है, तो अरे क्या हटो। तो उनके जो पीए उन्होंने धक्का पुश ऐसा ऐसा किया जैसे मैंने कोई कचरा पट्टी होती है जैसे। अरे घर आए अतिथि का रिस्पेक्ट करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। अगर तुम किसी के साथ काम कर रहे हो ना, किसी के अंडर में मैनेजर होने के नाते कुछ भी, तो अपने जो साहब है, अपना जो बॉस है, उसकी रिस्पेक्ट का भी ध्यान रखो। क्या समझे, उन्होंने तो इशारा किया कि नाचने दो, लेकिन उसके बाद पुश कर दिया। इतनी सारी मीडिया खड़ी थी, इतने सारे लोग खड़े थे, आज वो वीडियो वायरल हो रहा तो लोग मुझसे कहते यार कहाँ पर धक्के खा रहे हो। यानी मैं एक आर्टिस्ट हूँ, एक रिस्पेक्ट है। तारक मेहता भाभी जी घर पर कई टीवी सीरियल में काम भी किया है, तो आज भी मुझे भावुकता होती है। और उसके बाद जब शो चलता रहा, प्रोग्राम ख़त्म हुआ वो, तो भी ना तो शिल्पा जी ने मुझसे कुछ सॉरी बोला, ना उनके सिक्योरिटी गार्ड बाल ने जैसा कोई कचरा पर चल रहा, कोई परवाह नहीं। तो हर आदमी की, हर इंसान की रिस्पेक्ट होती है। जहाँ तक कि अगर मान लो मैं अपने घर में कोई फंक्शन करवाता या धार्मिक प्रोग्राम करवाता, तो उसमें एक एक आदमी आता ना, चाहे वो पहचान हो या जान पहचान हो, चाहे फकीर हो, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, कुछ भी हो, उसको हाथ जोड़ के अच्छा भाई क्षमा ओके ऐसे करके भेजना चाहिए। और आज सरे आम आपने एक आदमी को डांस करते करते पुश किया, धक्का दिया उसे, जैसे मैंने उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं, कौन है क्या है निकालो। तो यानी वो चीज़ तो पूरी दुनिया ने देखी है, सारी जनता ने देखी है उस चीज़ को, यानी उसको एडिट करके दिखाया। और जो लोग कहते हैं यार संजय वर्मा तुम कहाँ धक्के यानी कहाँ धक्के कर रहे हो, तो मैं क्या कहूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि शिल्पा जी हमारे देश की बहुत अच्छी सेलिब्रिटी है, बाहर भी उन्होंने बिग बॉस में नंबर बनाया, अब जीती है, देश का नाम भी रोशन किया है। तो यानी उनको ये शोभा, यानी उनको कम से कम अपनी सिक्योरिटी को तो डांटना चाहिए। पिछले साल भी उनके साथ कुछ उनके घर में चोरी हुई थी, तो अब सिक्योरिटी अपने बॉस के सामने अब दिखा रहे कि हम कितनी अच्छी सिक्योरिटी, देख जब चोरी हुई तो कहाँ गए थे। तो कम से कम ये मेरा मतलब ये है कि एवरी टाइम उनको देखना चाहिए कि उनकी जो बॉस है वो डांस कर रही है, और साथ में लड़का भी डांस कर रहा था, उसको रिस्पेक्ट से। मैं तो चाहता हूँ कि शिल्पा जी भी अब इस समय चुप है, उनको बोलना चाहिए, जवाब देना चाहिए कि संजय जी हम मेरी वजह से या मेरी सिक्योरिटी की वजह से आपको ये नुकसान हुआ है, एक रिस्पेक्ट का नुकसान हुआ है, वेरी सॉरी, ऐसे कुछ बोलना चाहिए। क्योंकि वो भी आर्टिस्ट है, मैं भी आर्टिस्ट हूँ, दोनों बराबर हैं। बॉलीवुड के वो भी कलाकार है, मैं भी कलाकार हूँ, ठीक है, मैं फेमस नहीं हूँ, लेकिन मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा, भाभी जी घर पे एक गाना लिखा, एक गणपत चल दारुला मिका सिंह का, यानी ऐसे मैं कई गाने लिखे हैं। मैं खुद आर्टिस्ट हूँ, कई फिल्मों में भी काम किया, आलू चाट वगैरह में करेक्टर आर्टिस्ट हूँ, शोज भी करता हूँ, वो 17 से आवाज़ निकालता हूँ, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। अरे भाई मुकेम्बो खुश हुआ, गब्बर सिंह सांप को हाथ से नहीं पैरों से कुचला जाता है गब्बर, मैं जानता हूँ। तो यानी लोग मुझे स्पेशल शो के लिए बुलाते हैं, डबिंग के लिए बुलाते हैं, प्रोग्राम के लिए बुलाते हैं, लेकिन उन्होंने एकदम ऐसे बिल्कुल ही ऑर्डिनरी, जब पता नहीं कि कहाँ से कौन घर में क्या होने क्या है, उसको पुश कर दिया, ये नहीं चलता। हमारे देश की परंपरा, हमारे देश का संस्कार, हमारा संस्कार अतिथि देवो भव है। जब हम धर्म का प्रोग्राम कर रहे हैं तो कम से कम ये बात ध्यान रखनी चाहिए। सर आखिर में क्या क्या मांग है आपकी शिल्पा शेट्टी जी से, अगर उसके बारे में कुछ बताएं। देखो मैं बताऊँ, अगर मान लो मेरे घर में कोई आता और मेरा जो सर्वेंट है या कोई गार्ड है वो उसकी मेहमान की तोहिन करता, तो मेरी जिम्मेदारी पड़ती है, मेरी जिम्मेदारी होती है कम से कम कि सॉरी मेरे चलो पिछाओ, ये हमारे गेस्ट हैं, ये उनको बोलना चाहिए। तो जिम्मेदारी उन्हीं की पड़ती है जिनके घर हम गए, शिल्पा जी के हैं, कम से कम उनको बोलना चाहिए कि भाई मेरे गार्ड की वजह से या मेरे मैनेजर की जो भी है उनकी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई है, किसी भी मेहमान को प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि अतिथि देवो भव है। अब वो भी साइलेंट हो गई है तो शिल्पा शेट्टी जी ने आपको इनवाइट किया था पर्सनली। देखो मैं बताऊँ, मैं क्या है कि मैं डबिंग करता हूँ, तो कई रिपोर्टर हैं जो मुझसे डबिंग करवाते हैं, आप देख रहे हैं बुंडे चैनल लाइव ओके यस, तो इस तरह के तो मुझे बुलाया था, तो मैं उस बेस पर गया। तो मेरा मतलब ये है कि मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ, और यानी हर किसी को, और एक बात मैं आपसे, अगर आपके घर में कोई धार्मिक प्रोग्राम हो रहा है, अगर मान लो आपका पड़ोसी जो आप उसको जानते नहीं है, उसको बोलते नहीं है, वो भी आके श्रद्धा से आता है, मत्था टेक के जाता है, तो उसको आप आने दोगे नहीं आने दोगे, ये भी यानी हमारे देश की परंपरा, क्योंकि हम धार्मिक आयोजन कर रहे हैं ना, वहाँ कोई प्राइवेट किट्टी पार्टी नहीं हो रही, ना कोई शादी का प्रोग्राम हो रहा, लेकिन धार्मिक प्रोग्राम में कोई भी आ सकता है। लेकिन मैं तो फिर भी मैं गया था रिपोर्टरों के साथ, ये बात है।
मेरा नाम संजय वर्मा है, संजय वर्मा एक्टर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कम से कम यानी उनकी ये जिम्मा होता कि भाई आपको यानी ये प्रॉब्लम हुई है रिस्पेक्ट की, तो कम से कम उनको सॉरी बोलना चाहिए, ये बात है। थैंक यू, थैंक यू आप सभी को भी, थैंक यू सर, ओके।